अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रूफ दैट के सवाल करेंगे। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ सीखने वाली है हमारे पास। फर्ज करें मुझे जो है 2 थीटा को तोड़ के लिखना है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ थीटा प्लस थीटा, विच इज़ बन जाएगी 2 थीटा। लेकिन अगर मुझे थीटा को तोड़ के लिखना है तो अब मैं कैसे तोड़ूंगा? अगर मैं ऐसे लिख दूँ थीटा ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2, मतलब हाफ प्लस हाफ, दोबारा 1 बन जाएगा ना, तो थीटा प्लस 2 क्या हो जाएगा, नीचे तो 2 आ जाएगा और ऊपर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हमें थीटा को तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ते हैं, थीटा ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2 करके तोड़ते हैं। इसी तरह भी ये सवाल प्रूव होगा। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, क्या साइन थीटा है, क्या साइन थीटा को अब ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, साइन थीटा ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2, वापस वो क्या बन जाएगा, वापस थीटा ही बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लग गया, साइन अल्फा प्लस बीटा लग गया। तो यहाँ पे दोबारा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ किसके बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है हमारे पास। तो ये चीज़ अगर मैं ऊपर लगा दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों थीटा ओवर 2 उसको तो फर्क नहीं पड़ा, साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, हमने यहाँ पे इस पे फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अब एक चीज देखें, साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2 बोले या कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 बोले, एक ही बात है, 2 मल्टीप्लाई पे 3 भी 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई पे 2 भी। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, ऐसे करके लिख देता हूँ, कोई बात हो गई। और इसको ऐसे बता दूँ कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, देखिए ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिटिकल नहीं है, कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, और ये हमारा आंसर हो गया प्रूफ्ड। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या कह रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1, मतलब कॉस थीटा को ये भी बनाएंगे, कॉस थीटा को ये भी बनाएंगे। तो पहले कॉस थीटा को ये बनाकर दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा को, अभी पिछले बिल्कुल सवाल में जैसे करा, कॉस थीटा को थीटा ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2 में तोड़ सकते हैं, अगर थीटा ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2 वापस क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लग गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास लग गया, तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ किसके बराबर होता है हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो ये चीज़ जब ऊपर लग जाएगी, अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या, अल्फा भी थीटा ओवर 2 है, बीटा भी थीटा ओवर 2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2 माइनस साइन थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 के इक्वल हो जाएगा। कॉस थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ओवर 2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, बिल्कुल इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब एक चीज देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, हम पहला वाला कर रहे हैं, इसके अंदर कहीं कॉस है नहीं ना, तो हमें कॉस हटाने, सिर्फ साइन है, तो हमें कॉस कैसे हट सकते हैं, कॉस स्क्वायर, वही पुरानी मैट्रिक वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, तो इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो बिल्कुल इसी तरह ये हट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इसके बराबर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और ये हमारा पहला हो गया प्रूफ, यही चीज़ बनानी थी। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा बिल्कुल सेम है, यही सारी चीज़ें करनी है, बस यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमने कॉस को चेंज करके क्या करा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करा। इस वाले सवाल में जो है हमें साइन हटाना है, कॉस रखना है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ तक सेम होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, जहाँ तक उसी तरीके से हम लोग पहुंचे, वहां पे हमने कॉस हटाया था क्योंकि हमें साइन चाहिए था, यहाँ पे साइन हटाना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 से रिप्लेस कर देंगे, ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है, प्लस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2
कॉस स्क्वायर थीटा ओवर टू माइनस वन, और ये भी हो गया हमारा प्रूफ्ड। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। अब इसको ये बनाना है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? साइन टू थीटा ओवर वन माइनस कॉस टू थीटा के इक्वल है। एक चीज मैंने आपको पहले बताई, जब भी डबल एंगल आएगा जैसे साइन टू थीटा या कॉस टू थीटा, उसका फॉर्मूला लाजमी लगेगा। तो हमारे पास साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि साइन टू थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखें कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा किसके इक्वल होते हैं? तीन चीजों के इक्वल होता है हमारे पास टोटल। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे? तीनों में से कौन कौन से हमारे पास? एक तो हमारे पास होता है कौन सा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है। अब एक चीज देखें, इसमें से हम कौन सा वाला यूज करेंगे? हमें जो चीज प्रूफ करनी है उसको देखेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है? कॉट थीटा लाना है। कॉट थीटा असल में किसके बराबर होते हैं? कॉस ओवर साइन के। तो नीचे हमें क्या चाहिए? साइन चाहिए, तो हम इसलिए ये वाला यूज करेंगे यहाँ पर। तो साइन टू थीटा की जगह ये रख देंगे और कॉस टू थीटा की जगह ये रख देंगे। तो साइन टू थीटा की जगह रख देते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर वन माइनस कॉस टू थीटा की जगह ये रख देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो यही चीज आ जाएगी, टू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर वन माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वन माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बचा? टू साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस वन माइनस वन कट गया, तो नीचे सिर्फ क्या बचा? टू साइन स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल, साइन थीटा से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? कॉस थीटा, और नीचे सिर्फ बचा साइन थीटा, और कॉस थीटा और साइन थीटा ही बराबर होता है कॉट थीटा के, और हमारा सवाल हो गया प्रूफ्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? साइन थीटा ओवर टू माइनस कॉस थीटा ओवर टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा। तो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो क्या हम लोग ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? साइन थीटा ओवर टू माइनस कॉस थीटा ओवर टू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पे अगर लगा देंगे कौन सा लग जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बराबर होता है ए स्क्वायर, मतलब के साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ये हमारे पास साइन थीटा ओवर टू, और बी क्या है? कॉस थीटा ओवर टू। साइन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा ओवर टू हमारे पास हो जाएगा। अब एक चीज देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला साथ कर लें, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर टू, और ये अलग कर लेते हैं माइनस टू साइन थीटा ओवर टू कॉस थीटा ओवर टू। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है जो हम बहुत पुरानी आइडेंटिटी बार बार यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं? वन के इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो ये यूज होते हुए साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर टू भी किसके बराबर हो जाएगा? वन के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो ये पूरी चीज जो है क्या बन गई? वन। बचा क्या? वन माइनस टू साइन थीटा ओवर टू कॉस थीटा ओवर टू बचा। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है वन माइनस साइन थीटा, हमें बनाना है ना, तो वन माइनस तो हमारे पास आ गया। अब इस पूरी चीज को हमें क्या बनाना है? साइन थीटा के इक्वल लेकर आना है। तो अब एक चीज देखें, यहाँ पे हम क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिखा है? टू साइन थीटा टू कॉस थीटा ओवर टू ना, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे माइनस साइन थीटा ओवर टू कॉस थीटा ओवर टू, और फिर से लिख दूं माइनस साइन थीटा ओवर टू कॉस थीटा ओवर टू, दो था मैंने तोड़ के अलग अलग करके लिख दिया, वापस अगर करेंगे तो वही बन जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, अगर इसको मैं पहले कर दूं तो एक ही बात है, कॉस अल्फा साइन बीटा। ये किस चीज के बराबर होता है हमारे पास? ये हमारे पास बराबर होते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे साइन थीटा ओवर टू प्लस थीटा ओवर टू, वही चीज हमारे पास बन गई थीटा ओवर टू थीटा ओवर टू, और थीटा ओवर टू प्लस थीटा ओवर टू किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा, तो वन माइनस साइन थीटा। कैसे? थीटा ओवर टू प्लस थीटा ओवर टू अगर मैं करूं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये टू आ जाएगा, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, और टू से टू कैंसिल, क्या आ गया? थीटा।